RCI online classes. Dear students, our next topic and topic name is electric potential due to charge conducting sphere. इससे पहले बेटा हमने spherical cell पढ़ा था. Spherical cell जो था, spherical cell की अगर बात करें तो spherical भी एक charge conducting sphere ही था. स्फेरिकल जो सेल है उसमें भी चार्ज कहा था, चार्ज इसके सरफेस पे था स्फेयर के, और उससे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसीडर किया था. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी आउट वी एस सरफेस के लिए और वी इन हमने कैलकुलेट किया था स्फेरिकल सेल के लिए. जैसे कैलकुलेशन हमने स्फेरिकल सेल में की है, सेम कैलकुलेशन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए आएगी. कंडक्टिंग स्फेयर और स्फेरिकल सेल की जो कैलकुलेशन है वो सेम रहती है. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि स्फेरिकल सेल और कंडक्टिंग स्फेयर में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस पे होता है स्फेयर के, और जब सरफेस पे होगा तो उससे तीन कंडीशन हमारे पास बनती थी. तीनों कंडीशन हमारे को जो थी उसमें एक तो ये था कि इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये सरफेस जिसके आपका कंडक्टिंग स्फेयर है या स्फेरिकल सेल है दोनों का जो मीनिंग है मीन है वो सेम है. ठीक है, तो इसका मतलब कैलकुलेशन भी क्या होगी, सेम होगी. तो तीन कैलकुलेशन हम करते हैं कि लेट अस कंसीडर एक स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर है, उसकी रेडियस कैपिटल आर है, उस स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जहां हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसीडर करते हैं. तो आप ध्यान दें कि हमने जैसे स्फेरिकल सेल में वी आउट वी एस और वी इन कैलकुलेट किया था, सेम कैलकुलेशन कंडक्टिंग स्फीयर में. समझ में आ रही? जैसी कैलकुलेशन हमने स्फेरिकल सेल के लिए थी की थी वैसे की वैसी कैलकुलेशन सेम कैलकुलेशन है कंडक्टिंग स्फीयर के लिए. तो जब भी एग्जाम में स्फेरिकल सेल हो या फिर कंडक्टिंग स्फीयर हो दोनों के लिए कैलकुलेशन क्या है, सेम है. मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ आपको कि हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आए थे. जब पॉइंट पी सिचुएटेड इन आउटसाइड द स्फीयर, फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास, व्हेन पॉइंट पी सिचुएटेड आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर. तो उसके लिए डायग्राम क्या बना था स्फेरिकल सेल में, ये को कंडक्टिंग स्फीयर है, लेट अस कंसीडर इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर रेडियस है, और इससे पी पॉइंट जो आउटसाइड है स्मॉल आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट यहाँ पे है, और ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके लिए चार्ज जो है वो इस स्फीयर के आउटसाइड सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है. ठीक है, इसके लिए हमने जो फॉर्मूला कंसिडर किया था आउटसाइड के लिए स्मॉल आर इज ग्रेटर देन क्या था, कैपिटल आर. ठीक है, तो क्या कंडीशन आएगी हमारे पास, ई आउट आता है चाहे स्फेरिकल सेल हो और चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो. ई आउट आपके पास आया था इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, वो हमारे पास आया था 1/4πε0Q/r2. याद है क्या, इसको दे दी था इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड वी नो दैट रिलेशन बिटवीन वी एंड ई, रिलेशन बिटवीन वी एंड ई, वी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन. कहां से लेके आ रहे हैं, जो चार्ज है वो इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे आ रहा है जिसकी डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो इन्फिनिटी टू स्मॉल आर. क्लियर है, ई डॉट डीआर. अब ई कौन सा लेंगे, अगर पॉइंट पी आउटसाइड है तो हम आउटसाइड वाला लेते हैं. ये कैलकुलेशन मैंने करवा दी है. आउटसाइड अगर पॉइंट है तो ई जो है वो आउटसाइड वाला लेंगे. सरफेस की बात करेंगे तो ई सरफेस का लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनसाइड है तो इनसाइड वाला ही लेते हैं. तो इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी, जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो मैं फास्टली बता देता हूँ, सेम कैलकुलेशन में फास्टली कर लेते हैं इसको. तो हमारे पास आता है नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन इनफिनिटी टू स्मॉल आर 1/4πε0Q/r2 इनटू dr. Which value is common? Here, V out is equal to, common is 1/4πε0 and negative sign. And here, Q is common, so Q/4πε0 is common. And integration infinity to small r, 1/r2
square into dr. क्लियर, 1 अपॉन r square into dr का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा हमारे पास आ जाएगा, मैं इस पे यहां लिख देता हूं इधर, सो वी आउट इज इक्वल टू यहां से देखिए नेगेटिव साइन q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r square का इंटीग्रेशन हमने किया था तो आएगा नेगेटिव 1 अपॉन r इंफिनिटी टू स्मॉल r. Substitute limits and we know that we substitute here first of all substitute upper limit and then lower limit and we can write V out is equal to negative q 4 pi epsilon naught substitute upper limit so negative 1 upon r and negative sign is formula sign and 1 upon infinity and negative positive and we know that 1 upon infinity is 0 because we know that infinity is 1 upon 0 and substitute here infinity is equal to 1 upon 0 so 1 upon 0 is equal to 0. Clear? ये calculation मैंने पहले करवाई थी, मैं ही इसलिए ये calculation करवा रहा हूँ कि आपको एक बार याद आ जाए. Conducting sphere और spherical cell दोनों की calculation same है, तो result क्या आ जाएगा बेटा इसका, result यहाँ से final result calculate करते हैं अपन, तो final result आपके पास आ जाएगा V out is equal to negative and negative positive, so 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r. This is the electric potential outside the conducting sphere. Clear? यहाँ से infinity zero हो गया, तो final result. V s calculate करते हैं V surface. तो V surface क्या आएगा बेटा? Here यहाँ तो था outside के लिए r small r is greater than capital R. और सरफेस के लिए क्या आ जाएगा? सरफेस के लिए स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल r. जब पॉइंट p कहां होगा? इन पॉइंट p यहां पे होगा, इसके सरफेस पे, सरफेस पे होगा, तो स्मॉल r और कैपिटल r इक्वल होगा, यानी कि जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसकी रेडियस और p पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो सेम है, सेम है, तो जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो यहां स्मॉल r की जगह क्या आ जाता है? कैलकुलेशन जो अभी मैंने किए सेम वही है, तो कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आ जाता है 1 / 4 / epsilon 0 q / स्मॉल r की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? कैपिटल r. ठीक है, इनसाइड की कैलकुलेशन और देख लेते हैं. इनसाइड की कैलकुलेशन में मैंने कहा था कि जब p पॉइंट इंफिनिटी से हम पहले कहां लेते हैं, इंफिनिटी से पहले सरफेस पे आएगा और सरफेस से फिर इनसाइड आएगा. क्लियर, तो लिमिट रख के देखते हैं, वहां कैलकुलेशन इसकी फास्ट में बता देता हूं मैं. तो देखिए when point P situated inside the conducting sphere. ठीक है, तो ये तो जीरो हो गया भाई, बच गया ये, और इसकी कैलकुलेशन हमने कर रखी है, तो
तो वीक इन आपके पास आ जाता है, इसकी कैलकुलेशन जब आपने की है अभी, तो वीक इन जो है वो आपके पास आ जाता है 1/4πε0 क्यू अपॉन बोलो कैपिटल आर, ठीक है। और स्मॉल आर लेके करेंगे तो स्मॉल आर आ जाएगा, कैपिटल आर लेके करेंगे कैपिटल आर, ठीक है। इस तरह से मैंने कहा था आपसे कि जो कंडक्टिव स्फीयर है और स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल की पूरी कैलकुलेशन मैंने अच्छे से करवाई है, स्फेरिकल सेल की, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा टाइम नहीं दिया। तो एग्जाम में चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो और चाहे स्फेरिकल सेल, दोनों की कैलकुलेशन सेम रहेगी। हाँ, नॉन कंडक्टिंग जो अगला टॉपिक आएगा हमारा, नॉन कंडक्टिंग अगर स्फीयर होगा तो उसकी कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी, और वो भी कहाँ पे, आउटसाइड और सरफेस पे। तो नॉन कंडक्टिंग के भी रिजल्ट सेम रहेगा, इनसाइड जो है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कहाँ रहता है, इनसाइड रहता है, तो इनसाइड की कैलकुलेशन कुछ अलग आएगी, बाकी दोनों पॉइंटों में सेम रहेगी, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। फिर अपन कल करने वाले हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। चैनल जो हमारा चल रहा है आरसीआई का, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई भी दिक्कत हो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्लियर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।